सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा टिकटॉक पर वायरल हुए टॉप 10 एटीट्यूड वाले डायलॉग्स। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। सो गाइस नंबर 10 पर पुष्पा मूवी का डायलॉग आता है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। सो गाइस नंबर 9 पर KGF चैप्टर 1 का डायलॉग आता है, जो कि एक गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, जो अकेला आता होता है मॉन्स्टर। गैंगस्टर था? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था मॉन्स्टर। सो गाइस नंबर 8 पर मांझी द माउंटेन मैन का डायलॉग आता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। सो गाइस नंबर 7 पर बाहुबली मूवी का डायलॉग आता है, जो कि है बाहुबली की तलवार पर जिसने हाथ लगाया। देवसेना को किसी ने हाथ भी लगाया तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया। सो गाइस नंबर 6 पर KGF चैप्टर 2 का संजय दत्त का डायलॉग आता है। वार चलाकर खून बहाकर जंग लड़ना तबाही नहीं तरक्की होती है। सो गाइस नंबर 5 पर जवान मूवी का डायलॉग आता है, जिसमें जो शाहरुख खान डायलॉग बोलते हैं। जब मैं विलन बनता हूँ ना तो मेरे सामने कोई भी हीरो टिक नहीं सकता। सो गाइस नंबर 4 पर सलार मूवी का डायलॉग आ रहा है, जो कि प्रभास बोल रहे हैं, जो कि अभी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील्स पर। प्लीज हाय काइंडली रिक्वेस्ट। तो गाइस नंबर 3 पर विक्रम बेदा मूवी में से ऋतिक रोशन का डायलॉग आता है, जो कि बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाला है। साला पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहां लेकर आए थे कहां लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे मिट्टी में मिल जाओगे। सो गाइस नंबर 2 पर मारी मूवी का डायलॉग आता है, जो कि है इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। सो गाइस फाइनली नंबर 1 पर रजनीकांत का शिवाजी द बॉस मूवी का डायलॉग आता है। मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है।